नमस्कार दोस्तों दोस्तों ये जो हम एक्सरे की फ़ोटो देख रहे हैं तो ये 21 अक्टूबर 2022 की एक्सरे है। इसमें हम देख सकते हैं फीमर बोन में फ्रैक्चर है और हड्डी का एक टुकड़ा बिल्कुल अलग हो गया है। और ये इनकी आज की एक्सरे है 12 अप्रैल 2024 की, फ्रैक्चर के 1.5 साल बाद की। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हड्डी बिल्कुल बढ़िया बन गई है, हड्डी बिल्कुल अच्छी जुड़ गई है। दोस्तों इनको मल्टीपल फ्रैक्चर था, फीमर बोन में तो हम देख ही रहे हैं कि फ्रैक्चर था, इसके अलावा टीबिया बोन में फ्रैक्चर था और एंकल जॉइंट में फ्रैक्चर था। और ये अब बिल्कुल अच्छा चलने लगे हैं, जैसा कि हम वीडियो में इनको देख रहे हैं ये अच्छा चल रहे हैं। तो चलिए ओपीडी में पेशेंट और डॉक्टर साहब की बात हम सुन लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब आज जिस केस के बारे में बात कर रहे हैं भैया, कुलदीप जी का है। कुलदीप जी के फीमर में फ्रैक्चर थे, टिबिया में फ्रैक्चर थे और मीडियल मैलस एंकल जॉइंट में फ्रैक्चर थे। कुलदीप जी के फ्रैक्चर अक्टूबर 2022 में हुए थे, आज करीब 1.5 साल हो गया है। तो इनका ऑपरेशन जब हुआ था, जब करीब 1.5 साल उस बात को बीत गया है। कुलदीप जी कैसा रहा, दिक्कत वगैरह पैर में कोई दिक्कत तो नहीं है, सब काम कर ले रहे, कोई परेशानी तो नहीं है? काम सभी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। तो नौकरी पे चले गए, जॉब पे चले गए? हाँ, जॉब कर सब हो रही है, दौड़ भाग हो रही है सब? दौड़ भाग इतनी स्पीड से नहीं, पर हाँ थोड़ा बहुत मेहनत मजदूरी से काम करना। हाँ हाँ, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ये इनके फीमर में था, जो अब ये यूनियन हो चुका है इनका पूरा फीमर का फ्रैक्चर का। ये कुलदीप जी के टिबिया में इनके फ्रैक्चर थे, जो टिबिया का यूनियन हो गया। और ये एंकल जॉइंट पे इनके मीडियल मैलस में फ्रैक्चर थे, जिसमें अपन ने वायर करके इनके तार डाल के ऑपरेशन किया। ये इलाज अच्छा हुआ मेरा? हाँ, इलाज अच्छा हुआ है और अस्पताल की सभी सुविधाएं अच्छी हैं और व्यवहार भी अच्छा है। जो तुम आए थे, जबकि तुम्हारी क्या स्थिति थी यहाँ? स्थिति ज़्यादा कमज़ोर थी, अभी बेहतर है, समय के हिसाब से रिजल्ट अच्छा है। दोस्तों फ्रैक्चर होता है, हड्डी टूटती है, तो उस समय लगने लगता है कि जैसे अब हम पहले की तरह सही नहीं हो पाएंगे, नेगेटिव चीज़ें दिमाग में आने लगती हैं, लेकिन समय के साथ सब कुछ सही हो जाता है। जैसा कि हम कुलदीप जी को देख रहे हैं, इनको मल्टीपल फ्रैक्चर था, फीमर बोन में फ्रैक्चर था, टीबिया फिबुला में फ्रैक्चर था, एंकल के पास फ्रैक्चर था, और ये सब रिकवर करके अपने पुराने जीवन में वापस आ चुके हैं। खूब अच्छे से चल लेता हूँ मैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आराम से चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं। गाड़ी वाड़ी चला ले? हाँ हाँ, सब कुछ गाड़ी चलाते हैं। हाँ हाँ।